हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि डेल्टा MS-300 ड्राइव को जब भी हम पुश बटन से स्टार्ट करें तो ड्राइव हमारा 0 हर्ट्ज से स्टार्ट हो, और ड्राइव की जब हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करें तो ड्राइव का फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो पुश बटन से, और पुश बटन से ही ड्राइव का फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ हो, और जैसे ही हम स्टॉप बटन को प्रेस करें तो ड्राइव स्टॉप हो जाए और 0 हर्ट्ज में आ जाए। 0 हर्ट्ज में आ गया, और हम जैसे ही फिर से स्टार्ट करें तो हमारा ड्राइव 0 हर्ट्ज से स्टार्ट हो जाए और हम पुश बटन से ड्राइव की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकें। तो ये सब सीखने के लिए वीडियो को लास्ट तक के देखते रहिए। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम ड्राइव की वायरिंग करना सीखेंगे, उसके बाद हम प्रोग्रामिंग करना सीखेंगे। ड्राइव को स्टार्ट करने के लिए हमने NO पुश बटन लिया है, स्टॉप करने के लिए NC पुश बटन लिया है, फ्रीक्वेंसी अप करने के लिए NO पुश बटन यूज़ किया है, और डाउन करने के लिए भी NO पुश बटन यूज़ किया है। ड्राइव की वायरिंग से पहले हमें ड्राइव का मोड सिलेक्शन देखना होता है कि ड्राइव NPN मोड में है कि PNP मोड में है। NPN और PNP मोड का सिलेक्शन इस वाले डीप स्विच के थ्रू होता है। अगर ये डीप स्विच लेफ्ट साइड है NPN मोड और राइट साइड है तो PNP मोड। अभी NPN मोड में है तो वायरिंग DCM के थ्रू करेंगे, और अगर PNP मोड में सेलेक्ट रहेगा तो ड्राइव, तो उसको हम 24 वोल्ट के थ्रू करेंगे। अभी NPN मोड में सेलेक्ट है इसलिए हम DCM के थ्रू वायरिंग करेंगे। अब DCM से एक वायर लेंगे और चारों पुश बटन के एक एक पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद जो स्टार्ट पुश बटन है उसके दूसरे पॉइंट को हम MI-1 से कनेक्ट करेंगे, स्टॉप बटन के दूसरे पॉइंट को हम MI-3 से कनेक्ट करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी अप का बटन है उसको हम MI-6 से कनेक्ट करेंगे, और जो डाउन का पुश बटन है उसको हम MI-7 से कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से हमने चारों पुश बटन का कनेक्शन कर दिया है। कनेक्शन के बाद अब हम इसकी प्रोग्रामिंग करना सीखेंगे। प्रोग्रामिंग के लिए हमने ड्राइव का यूजर मैनुअल लिया है। सबसे पहले हम ड्राइव को फैक्ट्री डिफॉल्ट सेटिंग में रिसेट करते हैं। इसका पैरामीटर है 00.02। पैरामीटर में जाने के लिए मोड की को प्रेस करेंगे, आउटपुट फ्रीक्वेंसी एक बार और प्रेस करेंगे, DC वोल्टेज एक बार और प्रेस करेंगे, एम्पियर एक बार और प्रेस करेंगे, FRD, यहाँ पे FRD या रिवर्स फॉरवर्ड या रिवर्स लिखा आएगा, तो इंटर की को प्रेस करेंगे। पैरामीटर ग्रुप 00 में जाना है, 00 इंटर करते हैं, पैरामीटर 00.02 00.02 इंटर करते हैं। यहाँ पे हमें 9 सेट करना है। 9 का मतलब होता है ऑल पैरामीटर आर रिसेट टू फैक्ट्री सेटिंग 50 हर्ट्ज में। 50 हर्ट्ज में ड्राइव के सारे पैरामीटर रिसेट हो जाएंगे, हमें इसे 9 करना है। हम इसको 9 कर देंगे तो ड्राइव फैक्ट्री डिफॉल्ट सेटिंग में रिसेट हो गई है। उसके बाद सबसे पहला पैरामीटर आता है मास्टर फ्रीक्वेंसी का, कि हमें ड्राइव की फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी सोर्स क्या है। अभी हमने ड्राइव की फ्रीक्वेंसी सोर्स पुश बटन लिया है, पुश बटन के थ्रू हम ड्राइव की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे। उसका पैरामीटर है जीरो जीरो डॉट टू जीरो, मोड की को प्रेस करके पैरामीटर ग्रुप 00.20 में जाते हैं, इंटर करते हैं, 00.02 पैरामीटर ग्रुप आ गया 00.20, इंटर करते हैं। यहाँ पे अभी बाय डिफॉल्ट 0 है, 0 का मतलब होता है डिजिटल कीपैड। अभी हमें अप डाउन के थ्रू करना है, एक्सटर्नल अप डाउन, तो इसको हमें 3 सेलेक्ट करना होगा, हमें पैरामीटर 00.20 को हमें 3 करना है। 3 कर देंगे तो एक्सटर्नल इनपुट जो है
हमने दो पुश बटन लिया है, उसके थ्रू ड्राइव की फ्रीक्वेंसी अप और डाउन हो गई। 3 सेलेक्ट कर दिया हमने, उसके बाद ड्राइव का ऑपरेशन कमांड कि ड्राइव स्टार्ट और स्टॉप कैसे होगी। अभी हम स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए हमने पुश बटन यूज़ किया है, एक्सटर्नल पुश बटन, पैरामीटर 00.21, पैरामीटर 00.21 में आगे एंटर करते हैं। यहाँ पे 0 है, 0 का मतलब होता है डिजिटल कीपैड, कीपैड से स्टार्ट स्टॉप हो रही है। अभी हमें एक्सटर्नल टर्मिनल से करना है तो इसको हमें 1 करना होगा, 1 कर देंगे तो ड्राइव हमारी स्टार्ट स्टॉप पुश बटन के थ्रू, जो एक्सटर्नल पुश बटन है उसके थ्रू स्टार्ट और स्टॉप होगी। उसके बाद हमें पैरामीटर ग्रुप 02.00 में जाएंगे और यहाँ पे हमें 2 वायर और 3 वायर सेलेक्शन करना होता है। अगर हम ड्राइव को स्टार्ट और स्टॉप पुश बटन के थ्रू ड्राइव को स्टार्ट करेंगे तो ये 3 मोड वायर होता है। अगर हम यहाँ पे सेलेक्टर स्विच लेते हैं कि सेलेक्टर स्विच के थ्रू हम ड्राइव को स्टार्ट और स्टॉप करते हैं तो 2 वायर मोड होता है। तो अभी हमने पुश बटन के थ्रू ड्राइव को स्टार्ट और स्टॉप कर रहे हैं तो 3 वायर मोड सेलेक्शन करना होता है। तो इसका पैरामीटर है, मोड की को प्रेस करते हैं, 02.02 एंटर करते हैं, 02.00 एंटर करते हैं। यहाँ बाय डिफॉल्ट 1 है, मतलब 2 वायर मोड में सेलेक्ट ड्राइव, हमें इसको 3 वायर मोड में करना है। M1 में हमने रन कमांड दी है, जो स्टार्ट बटन का इनपुट है उसको हमने M1 में कनेक्ट किया है और स्टॉप बटन को हमने M3 में कनेक्ट किया है, तो इसलिए हमें यहाँ पे इसको 3 कर देंगे। 3 करने के बाद हम इसको एंटर कर देंगे तो हमारा ड्राइव 3 वायर मोड में सेलेक्ट हो जाएगा। 3 वायर मोड सेलेक्शन करने के बाद हम फ्रीक्वेंसी अप और डाउन का इनपुट का सिलेक्शन करते हैं। हमने फ्रीक्वेंसी अप के पुश बटन को MI6 में कनेक्ट किया है, उसका पैरामीटर है 02.06, 02.06 एंटर करते हैं। यहाँ 4 है, अभी हमें फ्रीक्वेंसी अप करना है, उसका पैरामीटर है 19, डिजिटल अप कमांड, तो हमें इसको 19 करना है। 19 का मतलब है अप कमांड, मतलब फ्रीक्वेंसी अप होगी। और डाउन का पुश बटन है उसको हमने MI7 में कनेक्ट किया है, उसका पैरामीटर है 02.07 एंटर करते हैं। यहाँ पे 0 है, इसको हमें डाउन के लिए सेट करना है, तो 20 का मतलब होता है डाउन, फ्रीक्वेंसी डाउन। जैसे हम 20 सेट कर देंगे तो हमारी जो ड्राइव होगी इस पुश बटन से ड्राइव की फ्रीक्वेंसी डाउन होगी, इससे ड्राइव इंक्रीज होगी फ्रीक्वेंसी। अप डाउन सिलेक्शन करने के बाद हम 02.82 इनिशियल फ्रीक्वेंसी कमांड। अगर हमें ड्राइव को अभी हम जैसे स्टार्ट करते हैं, ड्राइव हमारा स्टार्ट हो गया, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं तो ड्राइव की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज करते हैं तो डिक्रीज हो रही है। जैसे हम स्टॉप कर देते हैं तो ड्राइव हमारा स्टॉप हो जाता है और इसकी फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज़ रहती है, और स्टार्ट करते हैं तो उसी से स्टार्ट हो जाती है। अभी हमें इसको जैसे हम चाहते हैं कि जैसे स्टॉप करें तो 0 हर्ट्ज़ हो जाए, तो उसके लिए हमें पैरामीटर 02.82 में यहाँ पे 1 सेलेक्ट करना होगा, 1 मतलब बाय 0 फ्रीक्वेंसी कमांड। जब भी ड्राइव स्टार्ट होगी तो 0 हर्ट्ज़ से स्टार्ट होगी, पैरामीटर 02.82 में 1 करना है, 02.82 में 82 में 1 कर देंगे। अब स्टार्ट करते हैं, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है और इससे करते हैं डिक्रीज हो रही है। अब हम जैसे स्टॉप करते हैं तो हमारा ड्राइव 0 हर्ट्ज़ में आ गया। अब स्टार्ट करेंगे तो ड्राइव हमारा 0 हर्ट्ज़ से ही स्टार्ट होगा। स्टॉप करते हैं
स्टॉप हो गया 0 हर्ट्ज पे। उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि जैसे हम ड्राइव को स्टार्ट करें तो एक फिक्स फ्रीक्वेंसी से ही ड्राइव स्टार्ट हो, जैसे अभी 0 हर्ट्ज से हो रही है, तो एक फिक्स जो भी हम फ्रीक्वेंसी सेट करें उस फ्रीक्वेंसी से ड्राइव स्टार्ट हो, हमें पैरामीटर ग्रुप 02.82 में 2 करना होगा। इंटर करते हैं 82 में हम इसको 2 कर देंगे, और जो फ्रीक्वेंसी सेट करना है वो फ्रीक्वेंसी हमें पैरामीटर 02.83 में सेट करना होगा। जैसे अब इसको हम या 50 हर्ट्ज है तो इसको हम सेट कर देते हैं 2 हर्ट्ज। हमने इसे 2 हर्ट्ज सेट कर दिया। प्रोग्रामिंग मोड से बाहर आ जाते हैं। अब हम ड्राइव को स्टार्ट करते हैं, तो हमारा ड्राइव 2 हर्ट्ज से स्टार्ट हो गया है। इंक्रीज करते हैं और हम ड्राइव को स्टॉप कर देते हैं, तो हमारा ड्राइव 2 हर्ट्ज में आ गया। अब जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो 2 हर्ट्ज से स्टार्ट होगा। इस तरह से हम ड्राइव को स्टार्ट स्टॉप हम एक सेट फ्रीक्वेंसी से कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसा लगा।